नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने के मौसम में अचानक से गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यूपी में टिकट को लेकर मंथन करने में जुटी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। इधर उधर लखनऊ में बीजेपी को झटका लगने का सिलसिला लगातार चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 24 घंटों में 6 नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ ही चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि इन नेताओं का इस्तीफा बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों के परिणाम पर इसका कितना असर पड़ेगा, ज्यादा चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को लेकर की जा रही है। सवाल ये है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले इन दोनों का इस्तीफा बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। इन सवालों के जवाब से पहले आइए जरा स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफे की चिट्ठियों पर गौर करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को इस्तीफे की जो चिट्ठियां भेजी हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। मेरे पास इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान दोनों के इस्तीफे की चिट्ठी हैं और मैं आपको उन दोनों के इस्तीफे की चिट्ठियां पढ़कर सुनाता हूं। सबसे पहले हम आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने अपनी चिट्ठी जो भेजी है राज्यपाल को उसमें क्या लिखा है। इसमें वो लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम सेवायोजन और समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों वे विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूँ। अब जरा दारा सिंह चौहान की चिट्ठी पर गौर कीजिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई, अब दारा सिंह चौहान की चिट्ठी पर आते हैं। वो कि लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। दोनों की चिट्ठी करीब करीब एक जैसी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान दोनों की ही चिट्ठियों में दलितों, किसानों और बेरोजगारों की बात की गई है, साथ ही पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ की चर्चा भी की गई है। साफ है कि बीजेपी से इस्तीफा देने वाले नेता अब पिछड़ा और दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश बीजेपी को पिछड़ा और दलित के चक्रव्यूह में फंसाने की है। इन नेताओं की कोशिश ये दिखाने की भी है के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यूपी में पिछड़े और दलितों की उपेक्षा हुई है। बताया जा रहा है कि ये नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति इनके जरिए यूपी की लड़ाई को सवर्ण वर्सेस ओबीसी की लड़ाई बनाने की हो सकती है। अखिलेश यादव अपने साथ गैर यादव ओबीसी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में गैर यादव ओबीसी मतदाता 35% से भी ज्यादा है, लेकिन अखिलेश यादव की ये राह इतनी आसान नहीं दिखती। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव का ये दांव उल्टा पड़ सकता है और अखिलेश यादव वैसी ही गलती कर रहे हैं जैसी गलती बीजेपी ने बंगाल में की थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी के कई बड़े नेताओं को शामिल करके जीत का सपना संजोया था। टीएमसी से करीब 140 नेता उस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बंगाल के चुनाव के परिणाम ने बीजेपी की इस दल बदल की रणनीति को फेल कर दिया। जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने से इन नेताओं की साख पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इन नेताओं पर आरोप है कि इन्हें पिछड़े और दलित की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी ही चिंता है। इन नेताओं पर आरोप यह भी लग रहा है कि बीजेपी के टिकट बंटवारे में इनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ जानकारों की राय में इनके इस्तीफे का कितना असर होगा ये बीजेपी के टिकट बंटवारे पर निर्भर है। अब देखना यह है कि बीजेपी यूपी में किन चेहरों पर दांव लगाकर पिछड़ा और दलित कार्ड को फेल करती है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।